मटन रे आमर देखिछु साधारणतः कि बहुत चर्बी परिमाण अधिका थाए। मटन लोक मैंने साधारणतः कौन करती गोटे दुईटा कि कम परिमाण के संतुष्ट होती ना से अधिका परिमाण मटन सब खाई दिखती। आ मटन टाक प्रिपेयर करिवारे बहुत प्रकार आमे आमे तादरे परिमाणर तेल भी दे था जोटा कि कौन के शरीर पई एक्चुअली हानिकारक अटे। से जदि भी खाऊँगी टिके ताको कंट्रोल करिकी खाइबा उचित। चिकेनटा देहपाई भल किंतु चिकेन रो जो आउ थे आम तेल ताकू प्रिपेयर करने सेईटा आमर शरीर पर खराब करी थाए। चिकेन रो स्ट्यू करी खाउछन किसी जन सूप करी पियंती सेटा भी गोटे प्रोटीन सेटा कम परिमाण रो चर्बी थाए से देह प्रति सेटा भी भल। ये सब जाक एक्चुअली जो कोल्ड ड्रिंक्स गुड़ाक डेफिनेटली आमर पीवाई बहुत मजा लगे। पीवाई बहुत तार स्वाद अलग थाए भिन्न थाए किंतु ये जो बेवरेजेस रे बहुत प्रकार बहुत परिमाण रो सुगर थाए जो सुगरटा के आपणकर देखिए ताकू आपण जो एक्स्ट्रा कैलोरीज तादर नेले ताकू बर्न करने आपण को मिनिमम आपण को 4 दिन आपण चलिए जो अधघंटा लेखा ताल जाकि सेटा झड़ब आपण सेति जो नौछंती टिके हाँ भल लगुच बोल टिके कम परिमाण रे नबा उचित ताकू रेगुलर बेसिस रे नबा उचित नुहे। आदो आपण साधारणतः शोष लगिले आपण पौड़ पानी पीवा उचित। आपणकर देखिए दही पानी जो मिलूची ताकू पीले भी आपणकर देह प्रति बहुत भल। आपण पानी पीबे ता सार ओआरएस पानी पी परिबे सी भी आपणकर भल शरीर प्रति भल। मैक्सिमम हम आप जूस पी पारे किंतु एक्स्ट्रा एडेड सुगर नथिबो। साधारणतः आज दुनिया रे देखिए आपणकर गोटे संतुलित आहार केही खाउनांती समस्ते आजिकल से फास्ट फूड पैकेट आपणकर फूड आपणकर हैला सुई हमर मगेदेले आपण ऑनलाइन रे मगेदेले खाद्य आसी घरे पहुँची गला। आपण कोन मगेले आज सब प्रकार तेल जातीय खाद्य मगेले पिज्जा आसी गला बर्गर आसी गला सेही सबुर खाद्य आजिकली आमे भी खाऊची हम पिला माने भी सेही गुडको लाइक करचंती जहा द्वारा कोनला गोटे संतुलित आहार पनीपरिबा ए सब हमर जो फ्रूट्स हैला एगुडा सब जाक खाद्य रे हमर अभाव रहिला। सेकंड हैला हमर काम करिवार पद्धति एसी रूम रे बसिकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंप्यूटर सामने बसिकी 8 घंटा 10 घंटा बसिक काम करवा कौन ना बहुत व्यस्त अच्छी। व्यायाम करवानी प्रतिदिन आमको दरकार अधघंटा रु घंटाटे बाहर जाइए ओपेन फिल्ड रे ओपेन एयर गोटे जाइए व्यायाम करवा चलवा जोटा कि आज दुनिया सोसाइटी देखिए समस्त व्यस्त सका उठिले गोटे बैग धरिकी गले ऑफिस रे बसले 8 घंटा रु 10 घंटा पुणी घरे आसिक वर्क फ्रॉम होम कले जहाद्वारा कौन होची व्यायाम अभाव हवा। तृतीय है कौन आज दुनिया समस्ते जेहेतु गोटे फास्ट मुविंग दुनिया होगा समस्ते काम करेंगे मैक्सिमम ताल कौन हो गोटे राति गोटे शोवा अभाव है जोटा 8 घंटा मिनिमम शोवा कथा ताबी आमर आजिकल अभाव हो। निश्चित आमको जदि हठात कि ओजन बढ़ुची ताले आमको आग प्रथम आम वर्कआउट कर देखू कि कौन सी हार्मोनल चेंजेस ओजन बढ़ुनी तो जमती कुशिंग सिंड्रोम कहली से ओजन बढ़ी पारे किंबा आमे जो कोविड एवं जो है आम समस्ते लॉकडाउन रे घरे रहिलु तादर भी बहुत लोक मैंने आसिले ओजन बढ़ी आसिले कारण से बाहर को जाई पालेनी आउ से तांकर ओजन बढ़ीगला व्यायाम अभाव है घरे बसिकी जस्ट खाई रहिले आउ किछि आमको जदि हठात कि ओजन बढ़ुचे ताले अन्यान्य रोग जेमती आमर कार्डियक डिजीज है रूल आउट करे पड़ो काले देहरे पानी जमुचे। वर्तमान समय रे लोकंकर आचार चालीचलन एवं खाद्य पानीयर सबकिछि परिवर्तन होइछि। बिजी शेड्यूल भितर निजक सेतिक समय दे पारना जो विभिन्न रोग आक्रांत होती। वर्तमान समय मुख्य रोग वर्तमान जब घरे घरे देखा ओबासीटी बा मेदबहुलता जो लोक मैंने चिंता जे केमिति निजक मेदबहुलता कमेबा और मोटापण दिन को दिन बढ़ी चलती एने आम आलोचना करें डॉक्टर प्रकाश कुमार सासमल सर। जो बर्तमान घरे घरे गोटे चिंतार विषय पलटिलानी वर्तमान समय लाइफस्टाइल चेंज होती मेदबहुलता जे मेदबहुलता कौन केमिति लोक जानबो नमस्कार। आज हूँ विश्व मेदबहुलतार दिन ता माने कौन हो आमे आज थीम रखाई चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स लेट अस टॉक अबाउट ओबेसिटी। मेदबहुलता साधारण देखा गले आगुरी लोक जार मेदबहुलता था लोक मैंने समस्ते चिड़ौले से निजक संकुचित मन करुले आने लुचि रोले से केवे किसी कथा का सागर बेसी हमें किंतु एबेर दुनिया रे आज जी देखिए बहुत प्रकार चिकित्सा पद्धति आसीगला से मेदबहुलता विषय को आज लुचि रखा दरकार नहीं आमको आसिक विषय टी डिस्कसन करार अच्छी डाक्तर मान सागे जोजोग करार अच्छी कौन कारण पर मेदबहुलता होची से विषय जदि आप आसी परामर्श करती तार उपशम डेफिनेटली तार ट्रिटमेंट आज दुनिया अच्छी। मेदबहुलता जदि देखिए कौन कौन कारण होची साधारणतः आज दुनिया जी देखिए आपणकर गोटे संतुलित आहार कहीं खाऊना समस्ते आजिकल से फास्ट फूड पैकेट आपणकर फूड आपणकर है आमर मगेदे आप ऑनलाइन मगेदे खाद्य आसी घरे पहुँचीगला आपड़ कौन मगेले आज सब प्रकार तेल जातीय खाद्य मगेले पिज्जा आसीगला बर्गर आसीगला से ही सब खाद्य आजिकल आम भी खाऊँ आम पाने भी से गुड़िक लाइक कराद्वारा कौन है गोटे संतुलित आहार पनीपरिबा ये सब आमर जो फ्रुट्स है युवा सबूक खाद्य रे आमर अभाव रहा। सेकेंड है आमर काम करिवार पद्धति एसी रूम रे बसिकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंप्यूटर सामने बसिकी 8 घंटा 10 घंटा बस काम करवा कौन ना बहुत व्यस्त अच्छी व्यायाम करवानी प्रतिदिन आमको दरकार अध घंटा घंटाटे बाहर जाइए ओपेन फिल्ड रे ओपेन एयर गोटे जाइए व्यायाम करवा चलवा जोटा कि आज दुनिया सोसाइटी देखिए समस्त व्यस्त सका उठिले गोटे बैग धरिकी गले ऑफिस रे बसले 8 घंटा 10 घंटा पुणी घरे आसिक वर्क फ्रॉम होम कले जहाँद्वारा कौन हो व्यायाम अभाव हवा। तृतीय है कौन आज दुनिया समस्ते जेहेतु गोटे फास्ट मुविंग दुनिया है समस्ते काम करेंगे मैक्सिमम ताल कौन हो गोटे राति रे गोटे सोइबा अभाव है जोटा 8 घंटा मिनिमम सोइबा कथा ताबे मध्य आमर आजकल अभाव हो किछि परिमाणर मेधबलता कारण है आमर जमती है बापा माँ मैंने सपोज मेधबलता अच्छा पाकर भी ओजन टी अधिका थाए जन्मरू आटा बढ़ी बढ़ी जाए जोटा जेनेटिक कही था किंबा किछि रोग अच्छी जमती कुशिंग सिंड्रोम है जोटा कि गोटे एंडोक्राइन एड्रेनल गोटे रोग किंबा किछि जदि स्टेरॉइड नौछंती लॉन्ग टर्म पाई किछि कारण पाई ताधरे मध्य मेधबलता देखा देई थाए। सर मेधबलता कारण ये थिला जे कोन पाई होछि जे मेधबलता हला परे लोकटी हठात किना जानिबो केमति ताको मेधबलता हेछि बोली कोन ता भितर सब लक्षण देखा। साधारणतः मेधबलता को हमें जो मापी थाओ सेटा हला बीएमआई एटा कोन बॉडी मास इंडेक्स ताको केमति मेजर करा जाय हमर ओजन किलोग्राम रे तार हाइट ता मीटर स्क्वायर रे ताकू कौन करा जाए ओजन टाकू डिवाइड करो बाय हाइट इटू मीटर स्क्वायर तर बीएमआई ताकू साधारणतः आमर गोटे नॉर्मल रोग तार 18 रू 24 भितर बीएमआई रहा कथा जदि या ऊपर अच्छी ता माने ओजन बढ़ुचे आमर जदि विश्वर स्टैंडर्ड देखिबा आमर एशियन स्टैंडर्ड होची 32.5 ऊपर जदि अच्छी बीएमआई एलॉन्ग विथ डायबिटीज किंबा आपणकर उच्च रक्तचाप है किंबा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है किंबा आपणकर जदि देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जदि यही रोग सब अच्छी किंबा बीएमआई जदि 37.5 ऊपर अच्छी यही सब रोग नथिले भी तादरे ऑपरेशन आमे यूजुअली करिथाउ जोटे कि हला बेरियाट्रिक किंबा मेटाबॉलिक सर्जरी। सर जने हठात किना फुली जांती जदि कहया मोटा ही जांती ये भी ओबेसिटी रोग कारण निश्चित आमको जदि हठात कि ओजन बढ़ुची ताहले आमको आग प्रथम आम ताको वर्कआउट करी देखू कि कौन सी हार्मोनल चेंजेस पाई ओजन बढ़ुनी तो जमती कुशिंग सिंड्रोम मु कहली से ओजन बढ़ी पारे किंबा आम जो कोविड एवं जो है आम समस्ते लॉकडाउन रे घरे रहिलु तादर भी बहुत लोक मैंने आसिले ओजन बढ़ी आसिले कारण से बाहर को जाइपारे आउ से तांकर ओजन बढ़ीगला व्यायाम अभाव है घरे बसिक जस्ट खाई रहिले आउ किछि आमको जदि हठात कि ओजन बढ़ुचे ताले अन्यान्य रोग जमती आमर कार्डियक डिजीज है रूल आउट करिया पड़ो काले देहरे पानी जमुचे कौन खाइबार आवश्यकता अछि कौन खाइबार आवश्यकता नै जने जेतर मेदबलता हेछि बोल जानला तर मोटापण धीरे धीरे बढ़ी चली जे कौन खाइबार आवश्यकता अछि कोन खाद्य आमे साधारणतः कौन करथौ आमे प्रोटीन खाद्य अधिका खाऊ किंतु गोटे संतुलित खाद्य खाइबा उचित माने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स आउ फैट्र ता माने जे खाली प्रोटीन्स खाइबे आउ फैट्र परिमाण साधारणतः कम खाइबा कथा एज कंपेयर टू प्रोटीन्स आउ कार्बोहाइड्रेट खाइबे किंतु कम खाइबे एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपन कोथरे मिलिबो गोटे जेमती हला माछ हला आपनकर मटन कोनी माछ आउ रहिला आपनकर अंडा खाइबे क्षीर पीबे छेना खाइबे एथरू आपनकर किंबा आपनकर जदि डाली जातीय आपण जदि खाइले सेथरू मते आपनको प्रोटीन्स मिली थाए आउ ता संगे आपनकर सबुज पनीपरिबा खाइले सेटा गोटे संतुलित आहार होइथाए जहाँद्वारा कि आपन तादरे भात भी रहिबो तरकारी भी रहिबो डाली भी रहिबो ता संगे आपनकर किछि प्रोटीन्स खाद्य मधे रहिबो जेंति माछ हला छोट माछ तो बहुत भल देह प्रति एसबू हला संतुलित खाद्य। मटन कथा जो कहले जमा नुचे मटन कौन खाइले सर कौन प्रभाव पड़ो बॉडी मटन रे हमरे देखिछु साधारणतः कि बहुत चर्बी परिमाण अधिका थाए मटन लोक मैंने साधारणतः कौन करती गोटे दुईटा कि कम परिमाण के सन्तुष्ट होती ना से अधिका परिमाण मटन सब खाई दिखती आ मटन टाक प्रिपेयर करिवारे बहुत प्रकार आमे आमे तादरे परिमाणर तेल भी मध्य तादरे देई थाओ जोटा कि कौन के शरीर पई एक्चुअली हानिकारक अटे से जदि भी खाऊछंती टिके ताको कंट्रोल करिके खाइबा उचित। चिकेन टा देहपाई भल किंतु चिकेन रो जो आउ थे आम तेल तातु देई थाओ ताको प्रिपेयर करिया सेटा हमर शरीर पर खराब करी थाए चिकेन रो स्ट्यू करी खाउछन किसी जन सूप करी पियंती सेटा भी गोटे प्रोटीन सेटा कम परिमाण रो चर्बी थाए से देह प्रति सेटा भी भल। सर ये तो थिला कोन खाइबार आवश्यकता कोन टू कोन को खाइबो खाद्य दूरे रहबार आवश्यकता आमे जो पैकेट फूड आसला जोटा कि हाई कैलोरी फूड रहा आइसक्रीम रहा आपन बेवरेजेस रहा जमी आप गले हमर कोल्ड ड्रिंक्स रहा आपणकर पैकेट जूस रहा एगुड़ा सब टे दूरे रहा उचित। आउ आम साधारणतः आजकल देखिए सबू सहर गले आपणकर मल्स मिलगला आपणकर फूड प्लाजा बहुत प्रकार सुस्वादु खाद्य आपको मिल जाव यही सब खाद्यू आप कम खाइबा उचित। आउ यही सब खाद्य जमी आपणकर पिज्जा है सोडा सब मैदा यूज हुए आपणकर बर्गर है ये सब कौन हुए कि आपणकर बहुत प्रकार मैदा रिफाइंड खाद्य आउ तादरे ऑयल यूज करा जाए जोटा कि आम शरीर पर आदौ को सबुदिन खाइबा उचित नुहे। सुस्थ मनीष प्रतिदिन देह को केते ग्राम रो ऑयल आवश्यकता रही जहाँ बर्तमान देखा जहाँ अधिका सुस्थ लोक जी परिमाण कम परिमाण ऑयल तीकी रे आपणकर खाद्य तादर प्रिपेयर होती हूँ दरकार जी खाद्यर प्रिपेरेसन दरकार आउ ताटू अधिका आपड़ पकई खाइबा दरकार नहीं आप आजकल आम सालाड से खाऊँ ऑलिव ऑयल पकई खाऊँ सेटा देह प्रति ठीक अच्छे आउ आजकल लोक मैंने देखिए सनफ्लावर ऑयल आम सब सोडा सब खाऊँ से शरीर पर किसी खराब नुहे जहाँ भी खाऊँ आपणकर टिके कम परिमाण जी खाद्यर आपणकर ताको प्रिपेयर करने दरकार से खातु एडिशनल आपणकर तेल ताको जमती तेलर जुटपुट खाद्य रू टे निवृत्त रुहतु। देखा बर्तमान समय जितेबाला समय क्या पाखे ना सब पैकेट फूड को निर्भर करता जो देखा साधारण लोक गोटे रोड सैड्रे जाऊँ समय आप देखते कोल्ड ड्रिंक्स पी दौरान कि सही जगह पौड़ बिक्री हो नाखुरस बिक्री हो समय ताको ये सब एक्चुअली जो कोल्ड ड्रिंक्स गुड़ाक डेफिनेटली आमर पीवाई बहुत मजा लगे पीवाई बहुत तार स्वाद अलग थाए भिन्न थाए किंतु ये जो बेवरेजेस रे बहुत प्रकार बहुत परिमाण रा सुगर थाए जो सुगर टाक आपणकर देखिए ताकू आपन जो एक्स्ट्रा कैलोरीज तादर नेले ताकू बर्न करने आपको मिनिमम आपको 4 दिन आपड़ चलिए जो अधघंटा लेखा ताल जाटा झड़ब आपड़ से जो नौंती टिके हाँ भल लगुच बोल कि कम परिमाण नवा उचित ताकू रेगुलर बेसिस रे नवा उचित नुहे आदो आपण साधारणतः शोष लगिले आपण पौड़ पानी पीवा उचित आपणकर देखिए दही पानी जो मिलूची ताकू पीले भी आपणकर देह प्रति बहुत भल आपण पानी पीबे ता सार ओआरएस पानी पी परिबे सी भी आपणकर भल शरीर प्रति भल मैक्सिमम हम आपण जूस पी परिबे किंतु एक्स्ट्रा एडेड सुगर नथिबो। गोटे लोक जितेबाला ताको ओबेसिटी होइछ बोल जानिया परे दिन तमाम सका राति पर्यंत केमिति फूड जो रूटीन रहबार आवश्यकता है सका दिपर राति साधारणतः यही सब खाद्यर आम जो गोटे लिस्ट आम पठई था न्यूट्रिशन क्लिनिक आमर ये चली सी गोटे से लोकर केते ओजन अच्छी सी केते बयस से हिसाब रे आमर जो डायटिशियन अच्छा सी गोटे संतुलित आहार करिकी गोटे डाएट चार्ट दे थांती जहाँ को कि आम साधारणतः उपदेश दे था कि 80 ରୁ 90% समय रे ताको पालन करने से संतुलित आहार जो परिमाण है सेटा आमर न्यूट्रिशन क्लिनिक आम गोटे डाएट चार्ट दे था साधारणतः बेस्ड ऑन द एज एंड द सेक्स ऑफ द पेशेंट। ओबेसिटी हलापुरे जेतु ऑपरेशन पर लोक आसन ट्रिटमेंट होची जे ट्रिटमेंट पर घर उपचार कौन जे केते समय बॉडी को वर्कआउट करिवार अछि व्यायाम प्राणायाम केते समय ई जो मेधबहुलता है साधारणतः मु कहली आपनकर प्रथम है डाएट चार्ट फॉलो करिवा रेगुलर व्यायाम करवा जदि व्यायाम करपरिछंती बिफोर सर्जरी तापर किछि औषध भी मध्य आजिकल मार्केट को आसिलानी एबे ट्रायल रे चली सबू जहाँद्वारा भी किछि मध्य ओजन कमुची किंतु जो ने एक्सेस ओजन हो जाऊँगी जमी 150 किलो 200 किलो ता बियंड तादर आम सर्जरी करिथाउ। सर्जरी माने लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी किंबा गैस्ट्रिक बाइपास जोटा कि गोटे आमर की होल सर्जरी किंबा लैप्रोस्कोपी साधारण जमी लैप्रोस्कोपी सर्जरी करा जाए गलस्टोन पई से भली सर्जरी एटा। सर्जरी परे मध्य आमे मोटिवेशन करिथाउ पेशेंट को रेगुलर व्यायाम करिबा पई और संतुलित खाद्य खाइबा पई आउ हम पाकु रेगुलर फॉलोअप करिया पई कि जदि कोनोसी पेशेंट व्यायाम रेगुलरली करूथिबो ऑपरेशन परे ताले 6 मास रु वर्षे भितरे तांकर से गोटे नॉर्मल वेट आउ लुक को फेरी आस परिबे। साधारणतः गोटे लोक को प्रतिदिन अध घंटा चलिबा उचित, मिनिमम अध घंटा चलिबा उचित। ता माने न जे गपसप होई कि जस्ट 2 किलोमीटर खन चलिबा, ब्रिस्क वॉकिंग करी 5 किलोमीटर मिनिमम चलिबा कथा आउ तरबर होई कि चलिबा कथा, स्पीड रे वॉकिंग करिया कथा जति कि से सही परिबे आउ सप्ताह को 5 दिन मिनिमम करिबा कथा, 2 दिन रेस्ट देले चलिबो। बर्तमान समय जो देखा बर्तमान एसी घर जहाँ कहते एसी रूम रे बस सिस्टम रे कंप्यूटर काम कर रात निदर मात्रा कमी कमी जाऊँगी ये भी कारण नुहे तो अवश्य के समय गोटे मुझे कहली मूलर कि संतुलित आहार खाइबा, रेगुलर व्यायाम करवा, प्रतिदिन 8 घंटा मिनिमम सोइबा राति रे आउ सोइला बेलू आजिकल साधारण कौन कराए समस्ते मोबाइल फोन को देखिकी फेसबुक देखिकी एसबू देखिकी राति सारा चियाईकी राति 2टा 3टार शोबा साधारणतः आम युवपीढ़ी मैंने से जोटा कि आम मेधबहुलता बढ़वार कारण मुख्यतः कारण है। साधारणतः आम कही था राति टे जल्दी डिनर करने जमी 7टा 8टा बेलू डिनर कले तापर 2 घंटा खंडे चलप्रचल है पाठ पढ़ापढ़ी कले कि टीवी देखिले तापर 10टा 11टा बेलू शोवाक जाए 8 घंटा मिनिमम हिसाब करके शोवा उचित। सर शेष प्रश्न रही सर जो आसुँच बर्तमान ऑपरेशन आपको जी से मुख्यतः चिंताधारा थाए आम पतला हवा कि ना ट्रिटमेंट पर कहीं विभिन्न समय देखिए डायबिटीज आसी जाए विभिन्न रोग आक्रांत होता है से जगह कौन करमती मुख्यतः जो गोटे रोगीटी आग आसे आग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मु करे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आम क्लिनिक को आसले आग देखू तार मोटिवेशन अच्छी कि नहीं। साधारणतः बहुत लोक मैंने आसती खाली टे पेटा मोटे कमे देवाई किंतु जो मैंने जेन्युइनली तार मोटापा आसी कि मेधबहुलता आसी तार सी ट्रिटमेंट को सी जारी रखिबो कि नहीं, तार मोटिवेशन अच्छी कि नहीं साधारणतः प्रथम आम जज करूँ तापर ताको आम काउंसलिंग करूँ कि तोर एया हेले आम एया कले आम तू एतिकी उपशम पाइबो। ता साइकोलॉजी स्टडी कला परे तापर देखो कि याको मेडिसिन द्वारा आम ओजन कमेबा कि सर्जरी द्वारा कमेबा कि दीटाक एका संगे करवा। मेडिसिन दे कि आग किसी परिमाण ओजन कमेबा जमती एवं अच्छा पेसेंट किसी 200 किलो प्लस तांको आग मेडिसिन दे कि आग 10 किलो 15 किलो खंड कमेबा ताद्वारा आम तांकर मोटिवेशन टाको जानिला परे तापर तांको सर्जरी कले डेफिनेटली रिजल्टटा बहुत भल हुए। तो देखिए सका समय लोक मैंने उठते उठार बहुत विलम्ब करती सका खावाटा और लाइट फुड खाती कितु विज्ञान जहाँ कहे सका खावाटा मोर हेवी हवा दरकार जे युव समाज को बर्तमान आमर सब साधारणतः कह गले आमर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग। आम भल खाद्य खाई सका कारण आम खाई सारापर आम जाऊ कम को कम गले कौन हम जो एक्सट्रा क्यालोरी खाई से सबूक आम यूटिलाइज हो। एबे कौन करा जाउची सकाळू समस्त तरबरी हिसाब से पळै गेले ब्रेकफास्ट को स्किप करदेले लंच टाको टिके कौन खाइले रात आसले ब्रेकफास्ट फुल करदेले खाई देकी सांगे सांगे पानी पी देकी सोई पड़छंती जहाँद्वारा कौन है जो एक्सट्रा क्यालोरी जोड़ा जो सी खाइले से गुड़ाक लस होगापी किसी आगे साधन किसी ना व्यायाम कले किसी ना रात तो व्यायाम करेनि खाद्य खाई सारापर शोई पड़े। यहाँ हूँ गोटे कहू गले गोटे फल्टी हैबिट। आमको साधारणतः भल खाद्य खावा कथा सकाल ब्रेकफास्ट गोटे स्ट्रंग ब्रेकफास्ट खावा कथा लंचटा गोटे संतुलित हवा कथा आउ डिनरटा सब हूँ जमी कहुए गोटे बेगर्स डिनर हवा कथा माने गोटे अध पेट होकर राति शोले सेटा साधारणतः सबुदिन बहुत भल। जस्ट एवं उल्टा करा जाउची कारण लोक मानने समय नहीं। साधारणतः खाई सारापर सांगे सांगे पानी पीवाई समस्ते मना करती कारण कौन कि खाद्य खाई सारापर पानी यदि पीबे लोक मानकर किसी कौन एसिडिटी हुए किसी मानकर माने इंडाइजेशन हुए। साधारणतः घंटे पर अधघंटा घंटे पर जदि पानी पीबे तो भल डाइजेशन होता है आउ तांकर एसिड जार होता है जार रिफ्लक्स हुए से गुड़ा कम होता है। निश्चित भाव शुणुले पूरा घटना जे ओबेसीटी मेदबहुलता केमी कम कर सबटा गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ बर्तमान समय विजु शेड्यूल भितर निज शरीर पर समय दिंतु जो ओबेसीटी जो घरे घरे बर्तमान गोटे रोग होगा ताठू दूरे रुहतु निज शरीर को समय देवा सहित भल खाद्य खातु और जंक फुड टू दूरे रुहतु। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट निरंजन सह ज्योतिप्रकाश पति, प्रतिदिन टीवी।